जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक इंडियन मीडिया में इंडियन नेवी की नई न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के बारे में कई न्यूज़ आई थी, जिसमें ये बताया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स का ऑर्डर देने वाली है। आज के इस गार्डिंग इंडिया वीडियो में हम आपको इंडियन नेवी के इस नए न्यूक्लियर सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में डिटेल में बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम US और रशियन नेवी के वीडियोज़ का भी यूज़ करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। फिर न्यूक्लियर सबमरीन्स अपने अंदर लगी मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर से चलती हैं और इसीलिए एक न्यूक्लियर सबमरीन्स को फ्यूल की जरूरत नहीं होती है और ये दुनिया में किसी भी जगह जा सकती हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स दो तरह की होती हैं। फर्स्ट वो जो कि लॉन्ग रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स लगे होते हैं कैरी करती है। इन न्यूक्लियर सबमरीन्स को नेवी की लैंग्वेज में SSBN कहते हैं और इनका काम किसी कंट्री के न्यूक्लियर वेपन्स को सेफली बचा कर रखना और जरूरत पड़ने पर एनवी कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करना होता है। अभी आप रशियन सबमरीन्स को एक साथ कई SLBM न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करते हुए देख सकते हैं। अभी इंडियन नेवी की अरिहंत क्लास सबमरीन्स INS अरिहंत और INS अरिघात एक SSBN टाइप सबमरीन है, जिसमें लगी K-15 SLBM पाकिस्तान और चाइना पर कभी भी न्यूक्लियर अटैक करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की न्यूक्लियर सबमरीन्स की। इन न्यूक्लियर सबमरीन्स को नेवी की लैंग्वेज में SSN कहते हैं और इन सबमरीन्स में कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते, लेकिन इन सबमरीन्स का काम दूसरे शिप्स और सबमरीन्स को खोजकर डिस्ट्रॉय करना होता है। इसीलिए इन्हें हंटर किलर सबमरीन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक प्रीडेटर की तरह बाकी शिप्स और सबमरीन्स को हंट करके किल करती हैं। अभी इंडियन नेवी के पास एक ही SSN सबमरीन है जिसे INS चक्र कहते हैं। INS चक्र सबमरीन को इंडिया ने रशिया से लीज यानी किराए पर लिया है। INS चक्र एक अकुला क्लास सबमरीन है जिसे 2012 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लीज पर ली गई INS चक्र अभी इंडियन नेवी की सबसे कैपेबल सबमरीन है, क्योंकि ये लगभग 500 मीटर से ज़्यादा डेप्थ में ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि इंडियन नेवी की बाकी सबमरीन्स जैसे कि कलवारी क्लास और किलो क्लास की 300 मीटर डाइविंग डेप्थ से बहुत ज़्यादा है। 500 मीटर की डेप्थ से इंडियन नेवी की INS चक्र सबमरीन्स किसी भी चाइनीज या पाकिस्तानी सबमरीन या शिप को ट्रैक कर सकती है और एनिमी शिप्स INS चक्र को इसकी 500 मीटर की डेप्थ के चलते नहीं देख पाते। INS चक्र की कैपेसिटी पर इंडियन नेवी को इतना यकीन है कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फरवरी 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान नेवी ने अपनी सबमरीन्स PNS-7 को इंडियन कोस्ट के पास भेजा था, तो इंडियन नेवी ने INS चक्र को पाकिस्तान सबमरीन को मार गिराने के लिए डिप्लॉय किया था। इसके बाद पाकिस्तानी नेवी की सबमरीन INS चक्र के डर से इंडियन कोस्ट लाइन के आसपास भी नहीं आ पाई। इससे आप ये जान गए होंगे कि एक हंटर किलर यानी SSN सबमरीन कितनी पावरफुल होती है। इसीलिए इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी की बढ़ती हुई एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए इंडियन नेवी ने गवर्नमेंट से 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स परचेज करने की रिक्वेस्ट की है। इंडियन नेवी के इस नए सबमरीन बिल्डिंग प्लान को प्रोजेक्ट 75 अल्फा भी कहा जा रहा है। ये सबमरीन्स मेड इन इंडिया न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स होंगी और इन्हें इंडियन नेवी के टॉप सीक्रेट नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर जो कि विशाखापट्टनम में है में बनाया जाएगा। इन सबमरीन्स का वेट लगभग 6000 टन होगा और ये इंडिया की अरिहंत क्लास सबमरीन से भी ज्यादा डेप्थ पर ऑपरेट कर सकेंगी। इन सबमरीन्स के लिए इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी मिश्रा धातु निगम एक नई अलॉय डेवलप करेगी, जिससे प्रोजेक्ट 75 अल्फा क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा सकेगी। उम्मीद की जा रही कि ये सबमरीन्स INS चक्र या किसी भी चाइनीज सबमरीन से बहुत ज़्यादा एडवांस होंगी और इनमें बहुत ही एडवांस्ड स्टील्थ और साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। इंडियन नेवी की ये एडवांस सबमरीन्स बहुत कॉस्टली भी होंगी और एक सबमरीन लगभग 15,000 करोड़ रुपये की होगी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट 75 अल्फा के सभी 6 सबमरीन्स का डेवलपमेंट की फाइनल कॉस्ट 1.2 लाख करोड़ रुपीज़ होगी, जिसमें कई और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी शामिल हैं। इंडियन नेवी के लिए ये प्रोजेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन नेवी ने गवर्नमेंट को ये भी कहा है कि इंडियन नेवी को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह इन 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट पहली 3 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के कंस्ट्रक्शन को अप्रूव करने का डिसीजन लेगी और बाकी 3 सबमरीन्स बाद में सैंक्शन की जाएगी, जो कि पहली 3 सबमरीन से भी ज़्यादा एडवांस्ड होगी। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इंडियन नेवी का ये 600 किलर न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप करने का डिसीजन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी चाइनीज नेवी के पास शैंग क्लास और हन क्लास की 12 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं और इंडियन नेवी के पास सिर्फ एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी INS चक्र है। इसीलिए अगर इंडियन नेवी को इंडियन ओशन में अपनी पावर मेंटेन करना है, तो इंडिया को ये 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जल्द से जल्द चाहिए होंगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में।
जय हिंद।